दर्शकों, जब आप कोई पेट खरीद रहे होते हो तो आपको उसे प्रॉपर टाइम देना होगा, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपके घर में कोई न्यू बेबी आया हो। तो दर्शकों, जब आप पेट चूज करें तो आपको एक हेल्दी डॉग लेना है। अगर आप वीक डॉग लेते हैं तो उसमें बड़े होकर कई सारी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको ऐसा पपी लेना है जो बहुत एक्टिव हो, साथ ही जिसके पेरेंट्स भी हेल्दी हों। डॉग लेने से पहले आप उसके पेरेंट्स की अच्छी तरह से जाँच कर लें। फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स को हम यही सलाह देंगे कि वो अपने डॉग्स की वैक्सीनेशन और डीवॉर्मिंग टाइम से कराएं। अब आप सोच रहे होंगे कि वैक्सीनेशन कब करानी चाहिए, तो आप अपने डॉग का फर्स्ट वैक्सीनेशन 45 टू 50 डेज की एज में करा लें। अब आप बात करें डीवॉर्मिंग की, तो डॉग्स के पेट में बहुत सारे कीड़े होते हैं जो उन्हें बीमार कर सकते हैं। उन्हें ख़त्म करने के लिए ही डीवॉर्मिंग कराई जाती है। अगर ये ना कराई जाए तो आपके डॉग्स के लिए यह सीरियस इशू बन सकता है। जो पहली डिवॉर्मिंग है वो 3 वीक में हो जानी चाहिए और दूसरी डिवॉर्मिंग फर्स्ट मंथ ऑफ एज में हो जानी चाहिए और उसके बाद 6 मंथ के बाद। फर्स्ट वैक्सीनेशन के 21 दिन बाद बूस्टर लगाया जाता है और एंटी रेबिस की वैक्सीन लगभग 3 मंथ के बाद लगवा लेनी चाहिए। दोस्तों, आजकल मार्केट में कई तरह के वैक्सीन अवेलेबल हैं, जैसे कि 7-in-1, 8-in-1 और 9-in-1। तो दोस्तों, जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि 7-in-1 यानी कि यह 7 बीमारियों को एक साथ खत्म कर देगा। 8-in-1 में 8 और 9-in-1 में 9 तरह की बीमारियों को यह हटा देगा। तो डॉक्टर से आप लोगों को यही पूछना है कि आप जब भी इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो यह कौन कौन सी बीमारियों को ख़त्म कर रहा है। तो दर्शकों, अब बात करते हैं फीडिंग की। तो फीडिंग और फूड आप क्या दोगे अपने डॉग को? हमें अपने पपी को भी हमारी तरह ही लिक्विड फूड देना चाहिए, पर अब आप सोच रहे होंगे कि वह जरूर मिल्क होगा, पर नहीं, क्योंकि जो मिल्क हम लेते हैं वो डॉग्स के लिए नुकसानदायक होता है क्योंकि वो उन्हें वॉर्म्स की तादाद को बढ़ा देता है। लिक्विड फूड में आप अपने पपी को सेरेलैक पेडिग्री दे सकते हो, बट उसे मिल्क की जगह आपको वाटर यूज़ करना है। पानी की जगह आप दही या योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आपको 3 मंथ्स तक यही फूड देना है, उसके बाद आप सेमी सॉलिड फूड पर आ सकते हो। बट उसके अलावा मार्केट में कई सारे अच्छे ब्रांड्स हैं लाइक पेडिग्री और ड्रूल्स। तो डॉग फूड को सेमी सॉलिड बनाने के लिए आपको कुछ देर उसको पानी में रखना होगा। और एक ज़रूरी बात, जब भी आप किसी ब्रीडर से या किसी शॉप से पपी लें तो उसकी जो डाइट उस समय चल रही होगी वो आप उससे ज़रूर पूछ लें, क्योंकि आप एकदम उसकी डाइट चेंज करेंगे तो उससे पपी को दिक्कत हो सकती है। तो आप कोशिश यही करें कि आप धीरे धीरे उसकी डाइट चेंज करें। अब बात करते हैं बाथिंग की। तो आपको अपने डॉग को 3 से 4 मंथ के बाद ही नहलाना चाहिए, उसके बाद 1 या 2 वीक में एक बार। ऐसा करने से इनके बाल या इनका कोट हेल्दी और अट्रैक्टिव रहता है। दर्शकों, आपको अपने डॉग की ग्रूमिंग भी करानी चाहिए, बट वो डिपेंड करता है उनकी ब्रीड पर। अगर आपके पास ऐसा डॉग है जिसका कोट डेंस है तो उसे रेगुलर ग्रूमिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और शॉर्ट हेयर वाले डॉग को सिर्फ शेडिंग टाइम में ही ग्रूमिंग की ज़रूरत पड़ती है। और सभी डॉग्स को एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, चाहे वो स्मॉल ब्रीड हो या फिर बिग। आपको अपने पेट को रेगुलर एक्सरसाइज करानी चाहिए। सब लोग चाहते हैं कि उनका डॉग एग्रेसिव ना हो, तो उसके लिए आपको अपने डॉग के साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड करना है। और जो लोग ज़्यादा डॉग को बांध कर रखते हैं उनका डॉग भी एग्रेसिव हो जाता है, या उन्हें प्रॉपर एक्सरसाइज या और वॉक नहीं कराते तो वो भी अपने डॉग को अग्रेसिव बना लेते हैं। आप अपने डॉग को फैमिली के साथ रखें और सोशलाइज रखें, जिससे वो एग्रेसिव नहीं होंगे। अब बात करते हैं वॉक की। तो दर्शकों, वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेट के लिए।